हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटर। बिल्कुल जैसे आपके और हमारे फैमिली होती है, उसी प्रकार क्वाड्रिलेटर की भी अपनी एक पूरी फैमिली है। हर मेंबर की एक स्पेशल क्वालिटीज है, हर मेंबर की एक अपनी अपनी कुछ स्पेशल रिजेम्बलेंस है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसको बिना पढ़े आप आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटर। उसमें जो सबसे ऊपर जो मेंबर है वो है क्वाड्रिलेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटर क्या है। वैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि क्वाड्रिलेटर क्या है, फिर भी एक बार और हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटर क्या है। क्वाड्रिलेटर इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, जैसा आपको दिख रहा है सामने ए बी सी डी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच देयर आर फोर साइड्स। आपको पता होनी चाहिए चार साइड्स होती हैं, कौन कौन सी, यहां पे नाम देख लीजिए ए बी डी सी सी डी एंड डी ए, एंड दीज आर द फोर साइड्स एंड देयर आर फोर एंगल्स ऑल्सो, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, these are the four angles, angle A, angle B, angle C, angle D. Naming of the angle you have already learned in previous classes. Angle A का एक और नाम BAB, एक और नाम BAD, ये आपको पता होना चाहिए, and four vertices, four vertices, बताइए student, this is this dot where the two lines meet, line segment meets are known as vertices A, B, C and D, and two diagonals जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, दो diagonals है, कौन कौन से बताइए, yes, opposite vertex को जो join करते हैं उनको diagonals कहते हैं, this is first diagonal and this is second diagonal, so first diagonal is AC and second diagonal is BD, these are the main components of a quadrilateral, quadrilateral के चार sides होती हैं, चार angles होते हैं, चार vertices होते हैं और दो डायगोनल्स होते हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके हम आगे बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटर की जो फैमिली है, तो आइए उनसे हम मिल लेते हैं। पहले क्वाड्रिलेटर की पहली फैमिली का मेंबर है पैलोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट, दे आर द थ्री मेंबर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। क्वाड्रिलेटर के बाद पैलोग्राम आता है, ट्रेपीजियम आता है, काइट आता है, फिर पैलोग्राम के अंदर फिर तीन उसके और मेंबर्स हैं, काइट, रेक्टेंगल, रोमबस एंड स्क्वायर। मतलब ये समझ लीजिए ये दादाजी, ये इनके तीन बेटे, और पैलोग्राम ने शादी की उसके फिर तीन बेटे हुए, ट्रेपीजियम ने शादी की उसका एक और बेटा था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और काइट ने शादी की ही नहीं, उसका कोई और मेंबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैलोग्राम की, कि पैलोग्राम क्या होता है, कैसे क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात किसके बारे में करने वाले हैं वो भी देख लीजिए, हम बात करेंगे साइड्स के बारे में, हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में, और हम बात करेंगे डायगोनल्स के बारे में, कि साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टीज। इसका मतलब हम कितने प्रॉपर्टीज, हम एंगल्स की दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, साइड्स की दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और डायगोनल्स की दो, इसका मतलब टोटल छह प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हर मेंबर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज, क्या एक दूसरे से कैसे या एक दूसरे से अलग है, उनके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यस, नाउ आई हैव दिस वन पोर्शन एंड दिस वन आल्सो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अभी सिर्फ पैलोग्राम की। तो पैलोग्राम, सबसे पहले हम बात करते हैं पैलोग्राम के बारे में। पैलोग्राम, पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं पैलोग्राम, देखिए This is called parallelogram, P Q R S. Parallelogram. सबसे पहले हम बात करते हैं साइड्स के बारे में। This side and this side, this side and this side. उससे भी पहले मैं आपको दो नए वर्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहला एक वर्ड है अपोजिट। अपोजिट, अगर मैं आपसे पूछूं अपोजिट साइड्स, तो P Q के अपोजिट साइड्स क्या है स्टूडेंट? Yes, P Q के अपोजिट साइड क्या है? R S. और RQ के अपोजिट साइड क्या है? RQ के अपोजिट साइड है PS. ये है अपोजिट। और एक और वर्ड है एडजेसेंट, जो बार बार आएगा, इसलिए मैं पहले आपको इसके बारे में बता रहा हूं। एडजेसेंट,
एडजेसेंट मीन्स PQ के पास में, या तो PS है या QR। तो PQ के एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से होंगे? PS एंड QR, दीज आर। उसी प्रकार QR की एडजेसेंट साइड SR एंड PQ, SR की एडजेसेंट साइड SP एंड RQ। तो अपोजिट और एडजेसेंट साइड आपको समझ आ गया। उसी प्रकार अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल P के अपोजिट में, यस एंगल P के अपोजिट में एंगल है एंगल R। एंगल Q के अपोजिट में अपोजिट एंगल है एंगल R, एंड एंगल Q के अपोजिट में है एंगल S। उसी प्रकार एडजेसेंट अगर मैं बात करूं तो एंगल Q के एडजेसेंट बताइए, यस फिर से दो एंगल होंगे पास वाले, एंगल R एंड एंगल P, एंगल R एंड एंगल P। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको यहाँ पर फटाफट से कोई समस्या नहीं आएगी, फटाफट से हम करते हुए जाएंगे। तो एडजेसेंट और इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं प्रॉपर्टी नंबर वन लिख रहा हूं, अपोजिट। किसके बारे में बात कर रहा हूं? सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में बात कर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम में? इक्वल होती है। कौन कौन सी? पी क्यू किसके इक्वल होगी? पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड आर क्यू इज इक्वल टू एस पी। ये दोनों साइड्स इक्वल होती है और मैं टिक भी लगाते हुए जाऊंगा साथ साथ में, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देखते जाइए। क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, अगर ये 4 तो ये भी 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। साथ साथ में क्या होती है अपोजिट साइड्स? पैरेलल होती है स्टूडेंट। पैरेलल का मतलब यस दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल means PQ is parallel to RS and RQ is parallel to SP। Student parallel sides वो जैसे railway tracks की जो पटरी है वो parallel है, जो कभी आपस में मिलती नहीं। तो this side is parallel to this, this side is parallel to this। इसी के नाम से इसका नाम parallelogram है, parallelogram। Parallel sides है, this side is parallel to this, this side is parallel to this, जो कभी आपस में meet नहीं करती है। Next, these are the two properties of parallelogram। किसकी प्रॉपर्टीज होगी? ये साइड्स की प्रॉपर्टीज होगी। कभी कभी टीचर्स आपको दोनों को मिक्स कर देता है, मिक्स मतलब आपको बोल देता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बिल्कुल सही है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है पैरेलल भी, पर हमने दो अलग अलग लिखा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एंगल पी किसके इक्वल होगा? यस एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। थर्ड प्रॉपर्टी, ये एंगल इसके बराबर होता है। जबकि हमने देखा कि क्वाड्रिलेटर में ऐसा कुछ नहीं है, तो क्वाड्रिलेटर में बाकी सब चीजें तो है इसकी। क्वाड्रिलेटर से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, जैसे फोर साइड्स है, फोर एंगल्स है, फोर वर्टिसेस हैं एंड टू डायगोनल्स हैं। पर कुछ प्रॉपर्टीज इसने खुद ने क्या किए, अडॉप्ट किए। जैसे हमने पढ़ा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, स्टार बनाना स्टूडेंट बहुत ज्यादा काम आएगी। एडजेसेंट, देखिए वर्ड आ गया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री लिख रहा हूं मैं, सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। अब इसको इजी कर देते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम कितना 180 डिग्री होगा। मतलब अब एडजेसेंट बताइए स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करिए, कौन कौन से? पी के एडजेसेंट एंगल कौन होगा? या तो क्यू, या पी के एडजेसेंट एंगल क्या होगा? एस। कोई भी एक ले लीजिए, एंगल पी प्लस एंगल क्यू ले लीजिए, दोनों का सम कितना होगा 180, या एंगल पी प्लस एंगल एस ले लीजिए, इनका सम भी कितना होगा 180, एंगल आर प्लस एंगल क्यू ले लीजिए 180, एंगल आर प्लस एंगल एस ले लीजिए 180। मतलब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। 4, तो दो प्रॉपर्टीज फिर हमने किसकी पढ़ ली? एंगल्स की पढ़ ली। देख लीजिए दो साइड्स की होगी, दो एंगल्स की होगी। लास्ट में आ जाइए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल की। अब स्टूडेंट मैं वापस से एक डायग्राम बना रहा हूँ, नहीं तो ज्यादा पहुंच पहुंच हो जाएगा। एक और डायग्राम देख लीजिए, ए बी सी डी, नेम चेंज कर सकते। अब हम डायगोनल की प्रॉपर्टी, डायगोनल आर अनइक्वल। क्या रहते हैं डायगोनल यहाँ पे? अनइक्वल रहते हैं स्टूडेंट। अनइक्वल का मतलब एसी की जो लेंथ होगी वो कभी भी बीडी के बराबर नहीं होगी। अंडरस्टूड?
इसका मतलब अनइक्वल होते हैं। ए सी इज ऑलवेज अनइक्वल टू बी डी, मतलब अगर ए सी 5 सेंटीमीटर का है तो बी डी कभी 5 नहीं होगा, 5 से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डायगनल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, फिर स्टार बना रहा हूँ, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, नया वर्ड है बाइसेक्ट आप लोगों के लिए, इसका मतलब बता देता हूँ। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट होते हैं। जैसे यहां पर हमने बोला ओ, तो ये जो ए सी और बी डी जहां पे मीट किए हैं वहां से ओ ए और ओ सी की लेंथ, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ये कंस्ट्रक्शन में भी काम आएगा। ए ओ किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर, एंड ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर होगा। तो स्टूडेंट एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले साइड्स की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल पी एंगल क्यू आर के इक्वल, एंगल क्यू एंगल एस के इक्वल। मतलब कभी आपको पैरेललोग्राम में बोल दिया जाए दिस एंगल इज 110, सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपने आप ही 110 पैरेललोग्राम में। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, फॉर एग्जाम्पल यही अभी 110 अगर मैं आपको इस ये एंगल दे दूँ, क्या एंगल पी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, दोनों का सम कितना होता है 180, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री के दोनों का सम होता है। तो 110 अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 110, 70 डिग्री का ये एंगल। करेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स क्या होती है, अनइक्वल होती है, एंड डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल आपस में क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दिस पार्ट, OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आगे जो मेंबर्स आने वाले हैं, ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम के मेंबर्स हैं, इसका मतलब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज उनके बच्चों के अंदर जाएंगी और कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या कर दी होंगी, चेंज खुद की प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, हमारी फैमिलीज में हमारे मदर फादर से हमको क्या मिलता है, कुछ क्वालिटीज मिलती हैं और कुछ क्वालिटीज हमारी क्या होती है, खुद की क्वालिटीज होती। तो देखेंगे अभी कि पैरेललोग्राम ने अपने बच्चों को क्या क्या क्वालिटीज दी और उन्होंने कौन सी नई क्वालिटीज को अडॉप्ट किया। अब करते हैं रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। मैं कुछ भी पोर्शन रब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूँ, और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन ताकि आपको समझ में आए कि होगा क्या। देखिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज ऐसे की ऐसे लिखी हुई हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में, नंबर टू इसके बारे में बात कर रहे हैं रेक्टेंगल। अब हम क्या लिखने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के बारे में जो पैरेललोग्राम से डिफरेंट है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी चलने वाली है, पैरेललोग्राम की चलने वाली है। तो देखिए एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, बचपन से आप बनाते आ रहे हैं रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस, दिस इज द रेक्टेंगल। थोड़ा सा सही कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या चेंजेस है। हमने बोला क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है इसका, ये समझ लीजिए क्योंकि पैरेललोग्राम की ये फैमिली है, तो पैरेललोग्राम से बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम की सेम पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में गई। कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, जो हम पढ़ चुके हैं, लेंथ लेंथ के बराबर होती है, ब्रेथ ब्रेथ के बराबर होती है, लोअर क्लासेस में आपको पता है। सेकेंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल सही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होती है इसमें, this side is parallel to this and this side is parallel to this, बिल्कुल सही है। opposite angles are equal, student हमने बोला कि जो properties same होंगे हम नहीं करेंगे, जो properties change होंगी उसी का number भी उसी का लिख रहा हूँ मैं, third number की property देखिए, opposite angles are equal, यहाँ पे change कर देते, all angles बताइए are equal to 90 degree, student सारे angle कितने के बराबर होते हैं, 90 degree, बस आपको ये याद रखना है, थर्ड प्रॉपर्टी चेंज है। फोर्थ माई एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल सही है, 90 प्लस 90 180, फिर कोई चेंज नहीं। डायगनल्स आर एन, फिफ्थ प्रॉपर्टी फिर चेंज होगी, डायगनल आर इक्वल, डायगनल क्या होते हैं यहाँ पे, यस इक्वल होते हैं, पी आर इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू एस, पी आर और क्यू एस इक्वल होते हैं। तो बना लेते हैं, ये रहा आपका पी आर और ये रहा आपका QS,
दोनों डायगोनल इक्वल। तो हमने देखा बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के अडॉप्ट की हैं रेक्टेंगल ने, बट दो अलग प्रॉपर्टी खुद ने एक्सेप्ट की हैं, खुद ने बनाई है। कौन सी? यस, पहली, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल कितने के बराबर होते हैं? 90। और डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो आपको क्या याद रखना है रेक्टेंगल के लिए? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। बाकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी चलेंगी? यस, बाकी के सारे जो नंबर्स, मैंने नंबर्स फिर सिंपल चेंज किया है, 3rd की जगह चेंज हुआ 5th की, बाकी सारी 1 to 6 वही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना रोम्बस के अंदर। अब देखिए रोम्बस क्या बोलता है। रोम्बस भी क्योंकि किसका बेटा है? यस, किसकी फैमिली के अंदर आता है? पैरेललोग्राम की फैमिली के अंदर आता है। तो रोम्बस के अंदर देखते हैं कि रोम्बस क्या है। देख लीजिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। रोम्बस राइटली इंक्लाइंड होता है, ए बी सी डी। आ जाइए रूम, पहला अपोजिट साइड आर इक्वल। इसमें बोला अपोजिट साइड, बिल्कुल ये यहीं पे चेंज कर देता है। नंबर वन, ऑल साइड्स आर इक्वल। यस, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या हो जाती है इसकी? इक्वल हो जाती है। नंबर वन, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल होती है। थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल आर अनइक्वल, यस डायगोनल्स में अनइक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो फिफ्थ में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, डायगोनल्स आर अनइक्वल। नेक्स्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ चेंज करेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, बट एट 90 डिग्री। ये स्पेशल प्रॉपर्टी इसको बनाती है। डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, देखिए डायगोनल, ये रहे डायगोनल, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल ये रहा, ये दोनों बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, ओके मिल रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? यस 90 डिग्री। कितना बना रहे हैं यहाँ पर? 90 डिग्री पे, मतलब ओ ए और ओ बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, पर रोम्बस के अंदर ऐसा होता है कि डायगोनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज हम आगे करने वाले हैं। यस, नेक्स्ट आ रहा है स्क्वायर। लोअर क्लासेस में हम पढ़ते आए हैं स्क्वायर के बारे में, अब देखते हैं स्क्वायर ने क्या क्या किया है। पहले स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर का डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस। अब स्टूडेंट स्क्वायर याद करने के लिए आपको क्या करना है? रेक्टेंगल और रोमबस की जो दो दो प्रॉपर्टीज स्पेशल थी वो चारों किसके अंदर आ जाएंगी? स्क्वायर के अंदर आ जाएंगी। आपको कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो रेक्टेंगल की जो दो प्रॉपर्टीज थी, रोमबस की दो प्रॉपर्टी लिख दीजिए। क्या? आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, जो ये देखिए नंबर वन पे क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती है इसकी? इक्वल, दिस 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 दिस। फिर थर्ड देखिए, और एंगल्स भी क्या होते हैं? और एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे भी होते हैं। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, डायगोनल इक्वल, दिस डायगोनल इज इक्वल टू दिस डायगोनल, पी क्यू इज इक्वल टू आर, सॉरी पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। डायगनल्स और लास्ट, डायगनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? यस, यहाँ पे डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो हमने ये देखा कि रेक्टेंगल और रोम्बस की जितनी भी स्पेशल प्रॉपर्टीज थी सब किसके अंदर आ गई? यस, स्क्वायर के अंदर आ गई। बाकी जो प्रॉपर्टीज बची वो सब किसके बराबर होंगी? पैरेललोग्राम के इक्वल होंगे। तो हमने स्टूडेंट इतने सिंपल से चार्ट से हमने ये समझा कि पैरेललोग्राम की 6 प्रॉपर्टीज याद करनी है आपको, सिंपल सा फटाफट से, क्योंकि रिवाइज करते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स। रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा? दो स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। बट आप बोलेंगे सर बाकी दो प्रॉपर्टीज कहाँ गई? बिल्कुल, बाकी दो की दो प्रॉपर्टीज वैसे की वैसे, किसकी? पैरेललोग्राम की। कौन से नंबर वाली? 1, 2, 4 एंड 6, बाकी सारी की प्रॉपर्टीज वैसे।
रोमबस में आ जाइए, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, बाकी प्रॉपर्टीज एज इट इज पैरेललोग्राम जैसे। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो कभी मैं आपसे पूछूं नेम द क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, आप क्या बोलोगे? यस, एक तो है स्क्वायर और एक है आपका रोमबस। मैं आपसे पूछूं नेम द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, यस एक है रोमबस और एक है स्क्वायर। नेम द डायगोनल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, आप बोलेंगे सर इट इज अ रेक्टेंगल एंड इट इज अ स्क्वायर। नेम द क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओनली बाइसेक्ट, यस इट इज पैरेललोग्राम, इट इज रेक्टेंगल, इट इज स्क्वायर, इट इज रोमबस, ऑल ऑन ऑल द पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोमबस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट इस को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए और इसको लर्न कीजिए, क्योंकि अगर ये लर्न हो गया तो आपको फर्दर क्लासेस में भी और फर्दर जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर क्वाड्रिलेटरल के, जिसका नाम है ट्रेपीजियम, जो यहाँ पे था, मेरा क्या था उसको एक बार लिख देता हूँ। नेक्स्ट मेंबर है ट्रेपीजियम, आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो अब देखिए स्टूडेंट कि क्वाड्रिलेटर का पहला बेटा पैरेललोग्राम है, दूसरा ट्रेपीजियम, इसका मतलब पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल, दो भाइयों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। हाँ, हालांकि बहुत सारी क्वालिटीज क्वाड्रिलेटर की आएंगी, क्या क्या आएंगी देख लीजिए। ट्रेपीजियम, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ट्रेपीजियम ये रहा, देखिए क्वाड्रिलेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं, 4 वर्टिसेस, प्रॉपर्टीज आ गई क्वाड्रिलेटर की। बट पैरेललोग्राम से तो अलग होना चाहिए, बिल्कुल सेकंड मेंबर है क्वाड्रिलेटर का। तो अब देखिए क्या है ट्रेपीजियम, क्या है अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, मतलब देखिए अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा, दिस इज पैरेलल टू दिस, देखिए ये लाइन और ये लाइन तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं आगे, तो ये और ये तो पैरेलल हो नहीं सकता, तो पैरेलल कौन सा, सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है। अब आप बताएंगे कि पैरेललोग्राम से कैसे अलग है, बिल्कुल पैरेललोग्राम से अलग है। पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा था, यस देखिए पैरेललोग्राम में तो हमने देखा था कि दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज आल्सो पैरेलल टू दिस, टू पेयर होते थे, अब यहाँ पर कितने पेयर है, सिर्फ एक पेयर है। तो ये है पैरेललोग्राम, जिसको हम सिंपली ऐसा लिखेंगे आने वाले टाइम में, पैरेलल और ग्राम शॉर्ट फॉर्म में। ट्रेपीजियम में क्या था, सिर्फ एक पेयर ही क्या होता है, पैरेलल होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड होती है, ये वाली कौन सी है, इसको बोलेंगे हम नॉन पैरेलल साइड्स, दिस नॉन पैरेलल साइड्स, ये और ये वाली, ये है नॉन पैरेलल साइड्स और तो एक पैरेलल साइड। तो एक पेयर पैरेलल साइड होता था, उसको क्या बोल दिया गया, ट्रेपीजियम बोल दिया गया। अब ट्रेपीजियम को कभी कभी क्या करते हैं टीचर्स, ऐसे भी बनाते हैं, बिल्कुल ये देखिए क्या ये ट्रेपीजियम है, बिल्कुल ट्रेपीजियम है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स, क्लियर। अब आइए स्टूडेंट, अब ट्रेपीजियम का भी एक बेटा था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, अब खुद ही वर्ड पकड़ लीजिए, ट्रेपीजियम तो होगा ये देखिए ट्रेपीज, बट क्या बोला आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस का मतलब, आइसोसेलेस का मतलब है कि उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी, नॉन पैरेलल साइड जो होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, ये ऐसा कर लीजिए, अगर ये नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाए आपस में, अ ट्रेपीजियम बोलेंगे, ट्रेपीजियम तो होना ही चाहिए उसको, अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाए अगर इक्वल हो जाए, जैसे AD और CB अगर इक्वल हो जाए, AD इज इक्वल टू CB, तब हम बोलेंगे कि वो ट्रेपीजियम क्या बन गया, वो ट्रेपीजियम बन गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और हमको पता आइसोसेलेस में क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो वो ट्रेपीजियम जिसमें क्या होगा, नॉन पैरेलल साइड्स, ये जैसे यहाँ पर भी मैं आपको बता चुका हूँ PQRS में
नॉर्मल साइड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, तब उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपिजियम बोलेंगे। सॉरी ट्रेपिजियम की फैमिली खत्म। तो अब हम बात करेंगे अपने लास्ट मेंबर क्वाड्रिलेटर के, जिसका नाम है काइट। अब काइट होती कैसे, पहले उसके बारे में तो एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, आपको थोड़ा रिजेंबलेंस हो रहा होगा, ए बी सी डी, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे हम देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। दिस इज AB is equal to AD and BC is equal to DC. Two pairs, student. This pair is equal to this. This pair is equal to this. And next property is, but opposite side देखिए, opposite side क्या equal है? बिल्कुल नहीं। But opposite side are unequal. Opposite sides क्या है? Unequal. मतलब AB never be equals to DC. And BC is never be equal to AD, या आपस में equal नहीं होंगी। तो AB BC CD के equal नहीं होगा, BC AD के equal नहीं होगा। तो ये है correct student। So student, हम पूरी की पूरी family of quadrilateral का chart यहाँ पर discuss कर चुके हैं, जिसके हमारे अंदर हमने पढ़ा quadrilateral क्या होता है, parallelogram क्या होता है, parallelogram के अंदर हमने पढ़ा rectangle क्या होता है, square क्या होता है, rhombus क्या होता है, फिर हमने पढ़ा trapezium, ट्रेपिजियम के बाद आइसोसेलेस ट्रेपिजियम, देन हमने पढ़ा काइट। तो इन सब की प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से आपको बता चुके हैं। अब आपका है कि आपको इसको अच्छे से एक बार लर्न करना है, हर प्रॉपर्टी को, जहाँ जहाँ मैंने स्पेशल प्रॉपर्टीज बोला उन स्पेशल प्रॉपर्टीज को लर्न कीजिए, ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।